नमस्कार दोस्तों। अब भाई कई बार आपके दाद, खाज, खुजली की समस्या हो जाती है और महिलाओं को उनकी वजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलने को पड़ती हैं दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दो क्रीम के बारे में बताने वाले हैं आपको, दोनों में अंतर बताएंगे और कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी ये भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों बात करने वाले हैं मीकोनाजोल क्रीम और क्लोट्रिमाजोल क्रीम, ये दोनों क्रीम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दोस्तों चलिए आज का वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोट्रिमाजोल के बारे में, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लोट्रिमाजोल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है आपको अलग अलग मिल जाएगी, आपके जो है बीमारी के हिसाब से ये मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत है तो लोशन मिल जाएगा इसका, इसकी क्रीम मिल जाएगी आपको, इसका पाउडर भी जो है अवेलेबल है। साथ ही अगर कान का संक्रमण है तो वहाँ पे इसकी ईयर ड्रॉप दी जाएगी। अगर वजाइनल प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, वहाँ पे संक्रमण है तो दोस्तों उसके लिए वजाइनल टैबलेट आती हैं क्लोट्रिमाजोल की, लेडीज़ वो उपयोग कर सकती हैं। और दोस्तों इसका माउथ पेंट आता है, मतलब माउथ से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो वहाँ पे माउथ पेंट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब फटाफट बात कर लेते हैं कि भाई जो ये क्लोट्रिमाजोल है इसका उपयोग क्या है और आपके लिए ये किस कंडीशन में बेस्ट रहेगा। दोस्तों ये जो क्लोट्रिमाजोल है ये इमिडाजोल क्लास की जो है मेडिसिन है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है टॉपिकली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। वहीं पे बात करें तो दोस्तों इसका उपयोग टीनिया इन्फेक्शन, जैसे कि अगर भैया आपको रिंग वार्म इन्फेक्शन हो गया है, रिंग वार्म इन्फेक्शन कहने का मतलब ये है वहाँ पे घोल चकत्ता होना, गोल चकत्ते के अंदर छोटा छोटे दाने होना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होना, आकार कैसा रहेगा चकत्ते जैसा रहेगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये जो क्लोट्रिमाजोल है ये बहुत बढ़िया काम करती है, आप इसे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों 60-100% इसका क्योर रेट रहता है, मतलब ये आपको ठीक कर देगी। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग दिन में 2 बार करना है, 2 से 4 सप्ताह के लिए, जब तक आपका इन्फेक्शन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता। दोस्तों अगला जो उपयोग है वो है कान का संक्रमण, और साथ ही दोस्तों अगर किसी को एथलीट फुट की दिक्कत है, कहने का मतलब है उसके उंगलियों के बीच में सड़न है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में जो है क्लोट्रिमाजोल का उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग ओरल और क्यूटेनियस या फिर वजाइनल कैंडिडियासिस, मतलब अगर वजाइना में कैंडिडा संक्रमण हो गया है तो उस कंडीशन में ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो आप क्लोट्रिमाजोल उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही दोस्तों ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, मतलब आपके गले से रिलेटेड अगर कैंडिडा का संक्रमण हो जाता है तो वहाँ पे जो है इसका 10 mg का ट्रॉक आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि वो माउथ में ही डिजोल्व हो जाता है, और साथ ही इसका उपयोग आप दिन में 3 से 4 बार जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था क्लोट्रिमाजोल का उपयोग, आप समझ गए होंगे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको क्लोट्रिमाजोल क्यों उपयोग करना है। अब बात करें भाई क्लोट्रिमाजोल अगर आप क्रीम खरीदते हैं तो ये मेडिकल स्टोर पे किस नेम से मिलती है, तो इसका बहुत ही फेमस एक ब्रांड नेम है कैंडिड क्रीम के नाम से आती है, आप उसे बाय कर सकते हैं और अपना इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। अगली जो दोस्तों क्रीम आती है वो है मीकोनाजोल क्रीम। अब भाई इसको भी आप ध्यान से समझें दोस्तों, ये जो मीकोनाजोल है ये भी मेडिसिन आपको अलग अलग फॉर्म में मिल जाएगी, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप इसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि मेडिकल स्टोर पे आपको इसका जेल मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, वजाइनल जेल इसका आता है, साथ ही दोस्तों इसका ऑइंटमेंट भी अवेलेबल है, डस्टिंग पाउडर भी इसका अवेलेबल है, स्प्रे भी आता है, कान के संक्रमण के लिए ईयर ड्रॉप अवेलेबल है, साथ ही दोस्तों वजाइनल वोविल्स भी इसका जो है मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। अब भाई बात कर लेते हैं कि ये जो मीकोनाजोल है इसको आप कब उपयोग करेंगे और किस कंडीशन में उपयोग करना है। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आपके टीनिया संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में ये बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही दोस्तों पायरियासिस वर्सिकुलर की दिक्कत अगर हो जाती है, इसमें क्या होता है दोस्तों स्किन पे जो है चकत्ते पड़ जाते हैं जिनका कलर स्किन से मैच नहीं करता, तो उस कंडीशन में ये बहुत बढ़िया काम करती है। साथ ही दोस्तों कान का संक्रमण हो गया है,
तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस मतलब जो वजाइना की वल्वा है वहाँ पे अगर कैंडिडा संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में ये बहुत बढ़िया फायदा करती है, आप जो है उपयोग कर सकती हैं। साथ ही दोस्तों क्यूटेनियस कैंडिडियासिस मतलब अगर स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार का कैंडिडा संक्रमण हो जाता है तो वहाँ पे ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो दोस्तों आपने जाना म्यूकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल के बारे में। अब अगर हम आपको बताएं कि भाई जो ये म्यूकोनाजोल है इसकी अगर आप क्रीम खरीदना चाहते हैं तो ये किस नाम से मिलेगी, तो दोस्तों मेडिकल स्टोर पर म्यूकोजेल के नाम से ये जो म्यूकोनाजोल है ये मिल जाएगी, आप इसे बाय कर सकते हैं और अपने दाँत खाज खुजली या फिर वजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो क्लोट्रिमाजोल और म्यूकोनाजोल दोनों के बारे में जो कि आपने जाना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।